वैल्यू मेक द डिफरेंस इन डिजर्ट्स मेरी एक वीडियो है जो बहुत वायरल मतलब हुई है अभी भी चल रही है जिसमें बहुत कड़वा बोल रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत गाली भी दी उस वीडियो को सुनने के बाद लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ मैं मानता नहीं हूँ कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट समाइम टेक अ लगी जम खासतौर पर उन यूथ लोगों के लिए है टेक होम गुड Note to make income will not far exceed your personal development. sometime it take a lucky jump if you do not work on yourself it will revert back as you are aadmi आदमी अपनी se zyada ज़्यादा कभी पैसे नहीं बना सकता कभी आप लोगों को कहते सुना होगा कि यार मेरे में प्रतिभा तो बहुत है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा मेरे में प्रतिभा तो बहुत है मैंने उतने पैसे मुझे नहीं आते मैं उतनी ग्रोथ नहीं कर पाता जब ऐसा आदमी मुझे कहता है तो मैं बोलता हूँ तुझे तेरी प्रतिभा के हिसाब से ही आ रहे हैं तू मानना नहीं चाहता बस बस यहीं पर छोटी सी गड़बड़ हो रही है तेरे साथ एक ही लॉ कॉलेज से पढ़ने वाले दो लॉयर अलग अलग जिंदगी जीते हैं यस और नो एक ही बुक पढ़ी होगी एक ही टेबल पे बैठ के पर्चा दिया होगा शायद एक ही टीचर ने पढ़ाया हो एक टाइप राइटर लेके बैठा है कोर्ट के बाहर रेंट एग्रीमेंट बना रहा है और एक कोर्ट के अंदर एक एक जिरे के पचास पचास लाख रुपए चार्ज कर रहा है एक ही इंस्टीट्यूट से निकले हुए सेम प्रोफेशन के दो लोग एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए दोनों डॉक्टर का लाइफ अलग अलग होता है दोनों एमबीबीएस एमडी हैं हैं दोनों एक ही हैं। एक ही ही कॉलेज से पढ़े टीचर ने पढ़ाया है एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है एक ही, ही होस्टल में रहे हैं लेकिन दोनों का लाइफ अलग है एक पचास रुपए की ओपीडी चार्ज कर रहा है एक की ओपीडी चार्ज कर रहा है राइट ऐसा होता है कि नहीं होता है यस आप में से कितने लोग ऐसे हैं मतलब मैं कुछ महिलाओं को देख रहा हूं लास्ट साड़ी किसी ने खरीदा साड़ी साड़ी यहां पे साड़ी अब तो गुजरात में है सूरत में है तो मैडम ने साड़ी खरीदा तो कैन आई आस्क यू समथिंग मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कितने रुपए का लिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बड़ा महंगा लिया यार पच्चीस हजार रुपए का सो पच्चीस हजार रुपए का इन्होंने एक साड़ी बाय किया राइट right? अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा ध्यान से सुनिएगा आप सबको बहुत काम की बात बताता हूं वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट नॉट योर एफर्ट्स नॉट हु यू आर ओनली योर वैल्यू अब उसी साड़ी पर मैं लिख दी हूं सब्य साची मुखर्जी अभी कितने का हो जाएगा आई थिंक मिनिमम टेन लैक्स क्या बदल गया कपड़ा ना टैक वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट जावेद हबीब हेयर uh, बाल काटता है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज फॉर फाइव मिनट अपॉइंटमेंट। वो जिस कैं से काटता है, है. मार्स से मंगाया उसने वो क्वालिटी का कैं कहां से मंगाया होगा वही कैंची जो ये बाकी दुनिया के बार बार लोगों के पास होगा वही कंगा जो बाकी लोगों के पास होगा वाईज चार्जिंग फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज एंड पीपल आर हैपी टू गिव हम कभी कभी आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत खतरनाक बात हो रही है यार पूरी इंडस्ट्री के अंदर मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक रोल है जिसको बोलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर का रोल राइट हर म्यूजिक डायरेक्टर को सात सुर का पता है कि ये सात सुर होते हैं सबके पास वही हारमोनियम है सबके पास वही तबला है सबके पास वही ऑर्गन है वही ऑर्केस्ट्रा है एक म्यूजिक डायरेक्टर एक मूवी के लिए पच्चीस लाख रुपए चार्ज करता है और ए आर रहमान उसी मूवी के लिए दस करोड़ रुपए चार्ज करता है ऑल द सेवन सुर सबके पास है सभी के पास है सबको सब पता है सारे गामा पादा नहीं सा। उसको भी पता है सारे गामा पादा नहीं पीपल आर चार्जिंग ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज एंड चार्जिंग टेन करोड़ रुपीज स्टिल इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली यू विल फाइंड इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट आपकी कमाई आपकी औकात से ऊपर कभी नहीं आती अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हैं जितने भी लोग मुझे सुन सुन रहे रहे हैं हैं यंग लोग जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागना कभी नहीं बढ़ती आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागना कमाई आपको फॉलो करती है फिर हाईकोर्ट मेरा एक मित्र था जो किसी ऑफिस में नौकरी करता था और उसने मुझे एक दिन आके बोला कि जिंदगी बहुत परेशान है बहुत तकलीफ में हूं कैसे गुजारा चलेगा बीस हजार रुपए मिलते हैं खाली नौकरी के अंदर कंपनी मुझे सिर्फ बीस हजार रुपए देती है तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा कंपनी बहुत खराब है बीस कंपनी देती है बीस कंपनी देती है गुजारा कैसे चलेगा

तो मैंने कहा कंपनी दे रही है कंपनी तो तुझको बीस हजार दे रही है कंपनी तो पांच लाख भी दे रही है कंपनी दस लाख भी दे रही है कंपनी तुझको इसलिए दे रही है क्योंकि तू बीस हजार की वैल्यू का आदमी है और उसको दस लाख इसलिए दे रही है क्योंकि वो दस लाख की वैल्यू का आदमी है तो उसने बोला कमाई कैसे बढ़ेगी तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के टाइम तो उतना ही है किसी आदमी के पास इस सृष्टि के अंदर 25 घंटे हैं क्या नो no! सभी 24 घंटे लेके पैदा हुए सभी ने 24 घंटे में ही खेल किया है उस 24 घंटे के अंदर जो वैल्यू आप डालते हैं वो आपकी वेल्थ डिटरमाइन करती है आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हां